क्या आप कम पढ़े लिखे हैं? क्या आप हिंदी भाषा में पढ़े लिखे हैं? क्या आप आपकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, जैसे राजस्थानी, बिहारी, हरियाणवी आदि? क्या आप सिर्फ हिंदी समझते हैं, फिर भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तो ये कोर्स सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले सीखने की चाहत रखिए और शिद्दत से समय दीजिए। बस 30 दिन और दिन में सिर्फ 1 घंटा और आप फटाफट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए एक जरूरी चीज आपको करनी होगी। पहले तो शर्म करना छोड़ना होगा और जीवन में इस शब्द को डिलीट करना होगा कि क्या कहेंगे लोग, क्योंकि यही शब्द है जो आपको इंग्लिश नहीं सीखने देते और ना ही आपको कामयाब होने देते हैं। हमसे तब जुड़े जब आप इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंक दोगे, क्योंकि आप कुछ भी करो, खुश रहो या दुखी रहो, भूखे रहो या भरपेट रहो, सही बताऊं लोगों को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। आशा है आपने ये शब्द कि क्या कहेंगे लोग अपनी डिक्शनरी से खत्म कर दिए होंगे और आपके पास पर्याप्त समय है कुछ सीखने का। तो जुड़िए हमारे इस प्रयास से जिसका नाम है अंग्रेजन। 30 दिन के इस कोर्स में आप मास्टर हो जाओगे इंग्लिश के। बस जरूरत है आपकी मेहनत, लगन और समय की। मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे भी नहीं आती, लेकिन बस सीखनी है, ये एक जिद है। और जब ये बात आती है कि कुछ करना है, तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि आपको कुछ करने से रोक दे। इरादे मजबूत करें और आगे बढ़े इस विशेष प्रयास जिसका नाम है अंग्रेजन। आपको अगर आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो कोई पढ़ाई की उम्र नहीं और कोई पैसे की बंदिश नहीं, बस सीखने का जज्बा हो। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस या फिर घर पर ही रहते हो, कोई फिक्र नहीं, आइए सीखते हैं इंग्लिश। अगर आपको ये प्रयास और ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और यही हमारी फीस है। इंग्लिश कैसे सीखे दोस्तों? जितना हो सके उतना अंग्रेजी सुने। शुरुआत में ग्रामर पर ध्यान न दें, छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्यों को बोलना सीखें और उनका मतलब समझें। अपने आसपास का वातावरण बनाए और गलत अंग्रेजी बोलने से बिल्कुल न डरें। टंग ट्विस्टर शब्दों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अंग्रेजी के गाने सुने, मूवीज के सबटाइटल को ध्यान से पढ़ें। अंग्रेजी किताबें, अखबार और इंटरनेट ब्लॉग्स पढ़ें। अंग्रेजी में सोचना शुरू करें और खुद से अंग्रेजी में बात करें। आईने के सामने अपने आप से अंग्रेजी में बात करें। घबराए नहीं, अपने आप पर विश्वास रखें। अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में ग्रुप डिस्कशन करें। अपनी गलतियों पर ध्यान दें और उसे सुधारें। इंग्लिश फ्रेज का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। लोगों से बिना डरे अंग्रेजी में बात करें। दोस्तों यही मूल मंत्र है कि आपको अपनी डिक्शनरी से ये शब्द डिलीट करना होगा कि क्या कहेंगे लोग, क्योंकि जब आपको कुछ नया करना है तो बेशरम होना पड़ेगा और बेशरम होने के लिए इस शब्द का त्याग करना होगा कि क्या कहेंगे लोग, क्योंकि अब आप इंग्लिश सीखोगे, फटाफट बोलोगे और इस मूल मंत्र को पाकर 30 दिन में 1 घंटा रोजाना प्रैक्टिस करके आप हमारे इस कोर्स जिसका नाम है अंग्रेजन से अपने आप को और अपने आप के आसपास के वातावरण में, अपने आसपास के भाई बंधुओं में आप अपनी छवि को एक नया रूप देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाले सारे इस कोर्स के हर एक चैप्टर में जिसका नाम है अंग्रेजन। जय हिंद।